हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम अगेन साइट वर्ड्स के बारे में ही देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम टोटल 30 साइट वर्ड्स देख चुके हैं एंड इन दिस वीडियो हम 20 साइट वर्ड्स देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ साइट वर्ड्स क्या होते हैं, हम बच्चों को कैसे याद कराएँ एंड उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें बच्चों को क्यों लर्न करवाना, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एंड आई मस्ट से यू हैव टू चेक इट आउट। तो अब हम देखते हैं साइट वर्ड्स का सेट 4 और 5। आप जब भी बच्चों को साइट वर्ड्स लर्न कराएं देन आप स्पेलिंग रीड कराएं उन्हें। THIS, दिस, HIM, हिम, WAS, वॉज, WANT, वॉन्ट, GIVE, गिव। इस तरीके से आप बच्चों को स्पेलिंग के साथ साइट वर्ड्स लर्न कराएं। जब बच्चों को अच्छे से साइट वर्ड्स लर्न हो जाए, जब बच्चे प्रॉपर स्पेलिंग के साथ साइट वर्ड्स बोल सके, आफ्टर देन आप उन्हें सम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस तरीके से आप स्मॉल सेंटेंसेस के साथ बच्चों को इजीली रीड करा सकते हैं। क्योंकि बच्चे 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स पढ़ चुके हैं एंड कुछ सेट ऑफ साइट वर्ड्स भी देख चुके हैं, तो बच्चे यहाँ पर थोड़े से बिग वर्ड्स इजीली पढ़ सकेंगे। तो इसलिए मैंने थोड़े से बिग वर्ड्स लिखे हैं। दिस इज माय बट, दिस 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 इज अ साइट वर्ड। गुड जॉब। दिस इज अ साइट वर्ड। आई गिव हिम फूड। ओके, व्हिच इज साइट वर्ड? गिव। We had a lot of fun. I like to play with him. First lunch, then ice cream. When will we go home? Good. I can make ice cream. I want to eat cake. She was under the bed. I was at school. गुड जॉब। इस तरीके से आप बच्चों को साइट वर्ड्स लिख कर दें एंड कुछ स्मॉल सेंटेंसेस दें एंड आप उन्हें रीड कराएं। जितना आप रीडिंग कराएंगे बच्चों को उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो इस तरीके से आप बच्चों को साइट वर्ड्स इजीली लर्न करा सकते हैं। अगेन ये 10 साइट वर्ड्स हैं जिन्हें हम बच्चों को इजीली लर्न करवा सकते हैं एंड आप उन्हें स्पेलिंग के साथ रीड कराकर फिर स्मॉल सेंटेंसेस के साथ आप उन्हें रीड करना सिखाएं। सेम वैसे ही मैंने 10 साइट वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं, आफ्टर देन कुछ स्मॉल सेंटेंसेस है इन्हीं साइट वर्ड्स को यूज़ करके, तो आप बच्चों को रीड करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ बिग वर्ड्स हैं। हमने जो फर्स्ट साइट वर्ड का सेट देखा था उसमें स्मॉल वर्ड्स थे ताकि बच्चे इजीली रीड कर लें, बट क्योंकि अब बच्चे रीड करना सीख गए हैं, उन्होंने रीडिंग स्टार्ट कर दी, तो आप कुछ बड़े वर्ड्स लिखकर बच्चों को इजीली दे सकते हैं एंड दे कैन इजीली रीड क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस हो रही है। दे ऑल टॉयज फॉर यू। लुक अप, आई सी द मून। गुड। आई गो अप and down on the stairs. My little sister is so cute. I have a little cat. I saw a bug in rug. Good, he likes to play football. Could you please help me? Please play with me. I have a big toy truck. Good job. तो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली रीड करा सकते हैं और बच्चे इजीली रीड कर लेंगे क्योंकि उन्होंने प्रीवियस साइट वर्ड्स भी देख लिए हैं, स्मॉल सेंटेंसेस के साथ उन्होंने रीडिंग करना स्टार्ट की है, तो अब वो लिटिल बिग वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हैं। सो आप इस तरीके से बच्चों को इजीली साइट वर्ड्स पढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में हमने 2 सेट ऑफ साइट वर्ड्स देखे जिनमें हमने टोटल 20 साइट वर्ड्स देखे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को साइट वर्ड्स लिखकर पहले पढ़ाएं, आफ्टर देन आप उन्हें स्मॉल सेंटेंसेस के साथ रीड कराएं, तो बच्चे इजीली रीडिंग कर लेंगे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बच्चों को पर्टिकुलर एक साइट वर्ड लेके उसके 5 सेंटेंसेस बनाने के लिए दें, हिम से रिलेटेड 5 सेंटेंसेस। तो आप जब बच्चों को इसे साइट वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने के लिए देंगे तो बच्चे इजीली रीडिंग करना सीखेंगे एंड रीडिंग के साथ वो स्पीकिंग भी सीखेंगे, बच्चे इजीली इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।